दोस्तों बॉलीवुड की चर्चित एक्शन थ्रिलर फ्रेंचाइजी रेस को फैंस ने काफी प्यार दिया। हालांकि रेस 3 पर्दे पर वो कमाल नहीं कर पाई थी जिसकी उम्मीद मेकर्स को थी। अब रेस के अगले पार्ट की तैयारी शुरू हो गई है। रेस 4 के लिए मेकर्स ने कमर कस ली है। हालांकि अभी इसके स्टार कास्ट का खुलासा नहीं किया गया है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि रेस 3 में सलमान खान नजर आए थे और फिल्म ने बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर एवरेज परफॉर्मेंस दिया था। देखा जाए तो रेस 4 के स्क्रिप्ट पर काम शुरू हो गया है और खबरें हैं कि इस साल के एंड तक यानी कि 2021 तक फिल्म फ्लोर पर आ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेस 4 की स्क्रिप्ट शिराज अहमद लिख रहे हैं। शिराज अहमद इससे पहले रेस, रेस 2 और रेस 3 के स्क्रिप्ट लिख चुके हैं। अब अगर स्टारकास्ट की बात की जाए तो अभी फाइनल नहीं की गई है। खबरों के अनुसार स्क्रिप्ट पूरी लॉक होने के बाद ही मेकर्स फिल्म की कास्टिंग शुरू करेंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि फिल्म इस साल के एंड तक आएगी, लेकिन दोस्तों अगर कोरोना को लेकर स्थिति फिर से खराब हुई तो ये आगे बढ़ाई जा सकती है। अब जब मेकर्स ने रेस 4 के लिए कमर कस ली है तो फैंस के मन में सवाल होगा कि आखिर फिल्म में क्या फिर से सलमान खान को ही जगह दी जाएगी। ऐसे में खबरों की माने तो रेस 4 में सलमान खान, सुनील शेट्टी और सैफ अली खान नजर आ सकते हैं। यानी अब मेकर्स सलमान और सैफ को साथ लेकर फिल्म पर दाव लगाने के लिए तैयार है। यानी कि अब सलमान को अकेली फिल्म में लीड रोल में नहीं लिया जाएगा। इस पर अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, लेकिन खबर ऐसी ही है। दोस्तों सलमान खान इस सीरीज के तीसरे पार्ट में नजर आए थे, वहीं सैफ अली खान को रेस और रेस 2 में देखा गया था। अब अगर रेस 4 में सलमान खान और सैफ अली खान की जोड़ी नजर आती है तो ये दर्शकों के लिए काफी दिलचस्प होगा। वेल, आप क्या चाहते हैं, सैफ अली खान या फिर सलमान खान? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।